हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी पी एस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो बजट से संबंधित जानकारी है, जितने भी ई पी एस सर्टिफाइड पेंशन धारक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका एक कमेंट भी आया था कि आप हमें बताएं कि जो EPFO, EPS सर्टिफाइड, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम और भी कई संस्थाओं के माध्यम से बताया गया कि जो EPS सर्टिफाइड पेंशन धारकों के लिए 1600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त 1650 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जो तो वित्त मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया जा रहा था, और साथ ही साथ में 58,000 करोड़ रुपए का जो अनक्लेम्ड अमाउंट है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होने के बाद उसी पैसे से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि दी जानी थी। लेकिन फिर भी आज तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हुई। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए बजट नहीं है, बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये पैसा जो है वो किसी भी प्रकार के अभी पेपर वर्क इसका चल रहा है, अभी आप लोगों के खाते में आया नहीं है, यानी कि आप लोगों के हिस्से में भी आया नहीं है कि ईपीएफओ के पैसा मिल चुका है, ईपीएफओ इस पैसे का आप लोगों को पेंशन देने में उपयोग कर सकता है, ऐसा नहीं हुआ है। ये पेपर संबंधित जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से इस पैसे को गुजरना पड़ेगा। पेपर में एक बार होने के बाद यह पैसा ईपीएफओ के पास में आएगा कि ईपीएफओ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा कि इस पैसे को ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को पेंशन के रूप में मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा, तब कहीं जाके ईपीएस सर्टिफाइड पेंशन धारकों को इसी पैसे से पेंशन की राशि दी जाएगी। अभी ये पैसा जो है तो पूर्ण रूप से यथावत रखा हुआ है। इस पैसे को क्या करना है, किस प्रकार से इस पैसे को उपयोग करना है, इसके ऊपर बातें चल रही हैं, इस पैसे के फाइल के ऊपर बातें चल रही हैं। जो जानकारी मिली थी वो जानकारी यही मिली थी उस समय पे कि 1650 करोड़ रुपए जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए मिल सकते हैं अगर पेंशन में वृद्धि हुई तो, और अनक्लेम्ड अमाउंट जो है 58,000 करोड़ रुपए तक का, वो अनक्लेम्ड अमाउंट जो तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन राशि मुहैया कराने में यूज की जाएगी, उपयोग की जाएगी। लेकिन ये पूरा काम जो तो पेपर वर्क में फंसा रह गया, और इस प्रकार के जो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अभी जो फैसले आ गए, ईपीएफओ का ऑप्शनल फॉर्म आ गया, ऑप्शनल फॉर्म के बाद में कितने लोग जो तो हायर पेंशन के उस दायरे में आएंगे, कितने लोगों को हायर पेंशन की राशि दी जाएगी, ये सारी बहुत सारी बातें होने लगी। अच्छा, कुल मिला के मैं आपको बता दूं, पेपर वर्क बहुत टफ होता है, काफ़ी लंबा समय लग सकता है, ये क्योंकि पैसे का मामला होता है, एक एक रुपए का हिसाब किताब होता है। ऐसा नहीं है कि 58,000 करोड़ रुपये जो बातों से ऐसे मैंने बोल दिया और उसका प्रोसेस जो तो कंप्लीट हो जाता है, नहीं, उस पर काफ़ी लंबा प्रक्रिया होती है, काफ़ी लंबे प्रक्रिया के बाद में गुजरना होता है, फिर कहीं जाके वो जारी होता है, वो पैसा इश्यू होता है, उस पैसे को फिर कहीं जाके उसको स्वतंत्रता मिलती है, फिर उस पैसे पे जो तो काम किया जाएगा, आगे चल के पेंशन की राशि में दी जाएगा। बातें तो अभी यही हो रही हैं कि उस पैसे पे विधिवत विशेष रूप से काम किया जा रहा है, उस पैसे को जल्द ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके उस पैसे का ही उपयोग किया जाएगा। फिलहाल भी ये कंफर्म तो हो जाए कि कौन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन की राशि दी जाएगी या नहीं। ईपीएफओ अगर अपने निर्णय पे यूं ही रहा, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटिशंस दायर है उस रिव्यू पिटिशंस के बारे में सभी को अगर मान लीजिए कि पेंशन की राशि, हायर पेंशन की राशि दी जानी तय हो जाती है, तो उस पैसे का उपयोग आपको पेंशन की राशि देने में किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, अतिरिक्त बजट की बात मैं कर रहा हूँ कि माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से अगर बजट प्रावधान को जारी किया जाता है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजट मुहैया कराया जाए, ताकि जिनको जिनको भी हायर पेंशन की राशि मुहैया हो, तब ईपीएफओ के पास में यह रास्ता न रहे ये बोलने के लिए कि हमारे पास अतिरिक्त बजट सहायता नहीं है, मैं इन्हें पेंशन की राशि नहीं दे सकता। इसलिए अभी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर जो तो एक बड़ा आंदोलन भी करने को तैयार है, और जल्द ही बड़ा आंदोलन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि माननीय वित्त मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन के वृद्धि के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ने ज्ञापन दिया हुआ है। चलो दोस्तों, आपको यह जानकारी और वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ में आप किस राज्य से हैं वो उसमें थोड़ा सा कमेंट भी करिएगा प्लीज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।